नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। आज के पॉडकास्ट के साथ अरिंदम और सालेहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जोधपुर ग्रामीण में ओसिया के पास डांवरा में पूर्व विधायक रणजीत सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। रणजीत सिंह ओसिया से 3 बार विधायक रहे थे। मुख्यमंत्री ने उनका पुण्य स्मरण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे खुशी है कि आज मैं रणजीत सिंह जी की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। आपका वर्षों से रणजी के साथ में रिश्ता था, उन लंबे समय तक उन्होंने सेवा की क्षेत्र की उस जमाने के अंदर, और मुझे खुशी है कि उनके जीवन काल में प्रधान पद पे भी रहे, MLA भी बने, सरपंच बने 52 के अंदर। आप बताइए, आज वो हमारे बीच नहीं है, पर जो मूर्ति लगती है, मूर्ति क्यों लगाई जाती है? क्या वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो शहीद हो, चाहे महापुरुष हो, आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले नौजवान भी, ये मूर्ति किसकी लगी है, क्यों लगी है, इनका बैकग्राउंड क्या है, वो जानकारी प्राप्त करता है, कुछ सीखता है, उससे मन में संकल्प करता है कि मुझे भी कुछ जिंदगी में समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है। इसलिए ये अच्छी परंपरा हमारे देश में है, जहाँ पर गांव-गांव में शहीदों की मूर्ति लगती है, महापुरुषों की लगती है, हम लोग नमन करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। और मुझे खुशी है कि आज रणजीत सिंह जी ऐसे व्यक्ति के मूर्ति अनावरण में मुझे आने का सौभाग्य मिला। हमने कोई कमी रखी नहीं है, कोई जो आपने आशीर्वाद दिया, 5 साल हो गए हैं, 5 साल में हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आज हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, स्वास्थ्य में 1 हो गए देश के अंदर, 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, 500 रुपये गैस सिलेंडर दे रहे हमारी बहनों को बेटियों को, तकलीफ नहीं पाए वो कर दिया है, खाद्य सामग्री दे रहे हैं, चाहे दालें हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो मिर्च मसाले हो, चाहे तेल हो, क्योंकि महंगाई बहुत भयंकर महंगाई है। शहरों में रोजगार की योजना शुरू कर दी है नरेगा की तरह, लंपी लोग में गाय मर गई थी, हिंदुस्तान में कहीं नहीं किया, हमने 40,000 रुपये प्रति गाय दिया पशुपालकों को, जिनकी गाय मर गई थी। अब आगे हमने 2 गायों के लिए या 2 भैंसों के लिए 40,000 का बीमा कर दिया है, प्रीमियम सरकार देगी, आपको एक नया पैसा देना है, अगर गाय या भैंस मर गई 40,000 तक का आपको मुआवजा मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आज हम आर्थिक विकास के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, बड़े राज्य में 2 पर हम लोग हैं, उत्तर भारत में 1 पर हम लोग हैं, अब तहसील उप तहसील सब सेंटर PSC CSE प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल सेकेंडरी स्कूल जो मांगा हमने दिया है। मुख्यमंत्री आज जैसलमेर के रामदेवरा मंदिर पहुंचे। उन्होंने लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि स्थल के दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली, सामाजिक सौहार्द, प्रेम, भाईचारे और मानव कल्याण की प्रार्थना की। उन्होंने भोजनशाला का निरीक्षण किया और पहले से बेहतर हुई व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने फलौदी के चौरड़िया में स्वर्गीय कल्याण सिंह राठौड़ की मूर्ति का अनावरण किया। यहाँ हुई जनसभा में उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। नकल करके बच्चे पढ़े जाते हैं, पढ़ने पढ़ते तो प्रश्न पकड़ाव करते हैं, कानून रहने से बेईमानों को जो है आज में कारावास होगा, बहुत बच्चे बहुत से काम करते मेहनत करते हैं, मानव प्रदेश परिचालित हो गया, तो तमाम तरीके की मैं समझता हूँ जो गवर्नमेंट ने की है, जो कानून पास किए आप सबके सामने राजस्थान में DHS की जाँच बिठा दी हम लोगों ने, बिजली कमी नहीं रहे, इस रूप में मैं कह सकता हूँ आपको हमारी योजनाओं का आज पूरे देश के अंदर अच्छा इफेक्ट है। बढ़ते हैं आगे। कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सम्मानजनक तरीके से महज 8 रुपए में पौष्टिक भोजन मुहैया करा रही देश भर में चर्चित राजस्थान की इंदिरा रसोई अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री कल टोंक जिले के झिलाई से इसका शुभारम्भ करेंगे। फिलहाल 1,000 रसोईयां खोली जाएंगी, जिनका संचालन राजीविका समूह की महिलाएं करेंगी। मुख्यमंत्री ने इस सिलसिले में कल शाम CMR में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इससे पहले कल ही टोंक के निवाई में मीडिया से बातचीत में भी उन्होंने इसका जिक्र किया। हॉस्टल में रहते बाहर के मजदूर लोग हैं, आम आदमी है, जिनको जरूरत होती है, वो गर्म खाना बैठा करके आराम से स्वादिष्ट खाना उनको मिल रहा है, जो बहुत पॉपुलर योजना हमारी है। हम चाहेंगे NGO आगे आए, NGO आगे आता है, उनको हम लोग 27 रुपए की कॉस्ट जो है 17 रुपए देती है, सरकार देती है, इस प्रकार से एक सब्सिडी करके मैं समझता हूँ
ऐसी योजना शुरू की गई जिससे कि लोगों को बहुत राहत मिली। महंगाई की दौर के अंदर भी बहुत बड़ी राहत है और वैसे सुविधा की दृष्टि से देखे हैं ये स्कीम बहुत ही पॉपुलर हुई है। लोग सुविधा मिलने लग गई, कई लोगों के घरों में तकलीफ होती है, मजदूर होते हैं। मैं खुद दो तीन जगह रसोई में खाना खाने गया, मैंने देखा किस प्रकार लोग आते हैं, मैंने बातचीत उनसे करी, वही योजना की लॉन्चिंग यहाँ पर हो रही है। कल ही मुख्यमंत्री RIC में 3 समाचार पत्रों के जयपुर संस्करण के लॉन्चिंग समारोह में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र मजबूत रखने में पत्रकारों की अहम भूमिका है। राज्य सरकार हमेशा से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पक्षधर रही है, ऐसे में पत्रकारों को सामाजिक सरोकार आगे रखकर जनचेतना का काम बेहतर तरीके से करना चाहिए। राजस्थान काजी काउंसिल के प्रतिनिधियों ने आज सुबह CMR में मुख्यमंत्री से भेंट की। सरकार ने शहर काजी के विवाह प्रमाण पत्र को मान्यता दे दी है, इसके लिए काजी काउंसिल ने CM का आभार जताया। और अब बात राजस्थान मिशन 2030 की। फेस टू फेस सर्वे के तहत 40 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव अब तक मिल चुके हैं। वेबसाइट के जरिए 80,000 से ज्यादा नागरिक अपने सुझाव दे चुके हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने आज जयपुर में विभागीय सचिवों की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभागों के ऑनलाइन सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम में 26 लाख से ज्यादा कार्मिकों और नागरिकों ने मिशन के बारे में जानकारी जुटाई है। स्कूलों और कॉलेजों में भी विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए बेहतरीन सुझाव मिल रहे हैं। इन सभी सुझावों को विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाएगा। मुख्य सचिव ने इस मिशन के दौरान नागरिकों से बढ़ चढ़कर राज्य के विकास के बारे में सुझाव देने की अपील की। और इसी कड़ी में अब मेधा से जानिए राजस्थान मिशन 2030 के वीडियो कॉन्टेस्ट के बारे में। गहलोत सरकार ने आपको एक और मौका दिया है अपना टैलेंट कॉन्टेस्ट राजस्थान मिशन 2030 में दिखाने का। इसके लिए आपके पास 18 विषय होंगे, वीडियोस पहले की तरह ही साझा करने होंगे और इनाम राशि भी वही रखी गई है, यानी पहला पुरस्कार 1,00,000 रुपए, दूसरा 50,000 रुपए, तीसरा 25,000 रुपए और इसके साथ ही 100 प्रतिभागियों को मिलेंगे 1,000 रुपए के प्रेरणा पुरस्कार। आपने जो सपने देखे हैं, अब उन्हें पूरा करने का जिम्मा उठाया है हमारे सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने। आप म्यूजिक, डांस, शायरी या किसी भी अंदाज में अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं। आपके आइडियाज को शामिल कर एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट बने कि राजस्थान 2030 तक बन जाए देश का नंबर 1 राज्य। सुनिए जिलों का राउंडअप। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने भीलवाड़ा जिले के थाना और नारेली में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उनकी मौजूदगी में योग और खेलकूद की जिला स्तरीय प्रतियोगिता भी शुरू हुई। उन्होंने मिशन 2030 का जिक्र करते हुए कहा कि विकास की गति बढ़ाने में हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। गहलोत सरकार की योजनाओं की चर्चा करते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि उनकी बदौलत हर क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर के केरबावाल, जाटौली और कल्याणपुरा में कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। उन्होंने ई गवर्नेंस के गहलोत सरकार के नवाचारों की चर्चा की और कहा कि ये ऐतिहासिक निर्णयों का ही प्रतिफल है कि राजस्थान आज न सिर्फ सड़क तंत्र बल्कि हर क्षेत्र में आगे है। सामाजिक न्याय मंत्री ने अपने विभाग से जुड़ी विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए पोर्टल का भी वर्चुअल शुभारंभ किया। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीकानेर में जनसुनवाई की। गोडू गांव के लोगों ने RD 34 पर पुल बनाने और रणजीतपुरा के निवासियों ने प्राइमरी स्कूल खोलने की मांग की। सालासर निवासियों ने रेलवे अंडर ब्रिज बनवाने का अनुरोध किया। ऊर्जा मंत्री ने सभी की परिवेदनाएं सुनी और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उदयपुर में एक बार फिर प्रमुख पर्यटन स्थलों पर गवरी नृत्य की धूम मचेगी। माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान ने इसके लिए गवरी दल प्रतिनिधियों से 12 सितंबर तक आवेदन मांगे हैं। संस्थान निदेशक ने बताया कि इस साल सहेलियों की बाड़ी, गणगौर घाट और लोक कला मंडल में प्रस्तुतियाँ होंगी। संस्थान कलाकारों को सहायता राशि भी प्रदान करेगा। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। आज कारगिल के शेर के नाम से मशहूर कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, कारगिल विजय के नायक परमवीर चक्र से अलंकृत कैप्टन विक्रम बत्रा जी को उनकी जयंती पर सादर नमन। अत्यंत ऊंचे, दुर्गम और दुरूह क्षेत्र में देश की रक्षा के लिए दिए गए आपके सर्वोच्च उत्सर्ग का राष्ट्र ऋणी है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।